नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं वीडियो लेके, जहां पे हम इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 8 होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है टेस्ट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। यस, क्वेश्चन है विच गैस इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग अगर हमने आर्टिफिशियल तरीके से करना है तो कौन सी गैस यूज़ की जाती है। ऑप्शंस हैं इथाइलीन, एसिटाइलीन, इथेन या मीथेन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, यस इथाइलीन गैस जो है वो यूज़ की जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें कौन सी गैस जो है वो प्रेजेंट होती है प्रेशर। ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ दीज गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इनमें से कौन सी गैस जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो एसिड ड्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ऑप्शंस हैं C6H12O6, CH2O, C12H22O11 या फिर C6H12O8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस C6H12O6। यह है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की C12H22O11, तो ये किसका होता है, ये है शुगर का, शुगर का एम्पिरिकल फार्मूला। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज अ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट है। नाइलोन क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, नहीं बिल्कुल नहीं। पेट्रोल बिल्कुल नहीं। वाटर, वाटर भी नहीं। तो केन शुगर, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो केन शुगर में प्रेजेंट होते हैं। केन शुगर का फार्मूला फिर से हम बात करेंगे C12H22O11। तो यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यस वेरिएबल बैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाई। वेरिएबल बैलेंसी कौन शो करता है। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, उसके बाद है AS, उसके बाद है बोरोन, उसके बाद है आयरन। ठीक है, AS यानी कि एंटीमनी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यस आयरन जो है वो वेरिएबल बैलेंसी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज। लिक्विड्स जो है वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं अगर हम कंपैरिजन करते हैं गैसेस के साथ, ये क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है। तो आप ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स आर हैवी, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स मूव फास्ट या फिर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। यही वजह है कि लिक्विड जो है वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यस विच ऑफ दीज इज लस्ट्रस नॉन मेटल। सभी के सभी नॉन मेटल दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा लस्ट्रस है, चमकीला है, चमकता है। ठीक है, ऑप्शन देखो सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस या फिर ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। तो आप सबने आयोडीन देखा होगा, वाइट कलर का, चमकता है। ठीक है, और अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जो कि ब्रोमीन है, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। कैसा नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान में बात रखनी है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक, अगर हम बात करें लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और मेटल की बात करें, ठीक है मेटल, तो वो कौन सा है, वो है मरकरी, मरकरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यस विच ऑफ दीज विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ऑप्शंस हैं साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यस आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
पी इन एच थ्री पी ओ फोर। एच थ्री पी ओ फोर में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है, तो क्या होगी? ऑप्शन है +3, +5, +6 या +7। चलो आइए इसको निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के पास +1 फॉस्फोरस की हमने निकालनी है, ऑक्सीजन के पास -2, क्या हो जाएगा? 3 + x + 4 - 2 = 0। 3 + x + -8 = 0। और अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और x = +5। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें दिया गया है, ठीक है, ये है रिएक्शन हमारे पास, और बोला है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान में बात रखनी है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम है, ठीक है, प्लैटिनम है तो इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे है मीथेन, अल्कोहल है, फिर इथेनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? अमोनिया, HCl, CCl4 या वाटर H2O। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CCl4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस है किसी एटम की, वो किस किस से बनी होती है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। अब न्यूक्लियस किस से मिलकर बनता है? एक तो उसमें होते हैं प्रोटॉन, और दूसरे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमर्शियल अल्कोहल, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग। तो अल्कोहल में हम क्या मिलाएंगे ताकि वो अनसेफ हो जाए, अनफिट हो जाए पीने के लिए? ऑप्शन देखो, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, स्नेक पॉइजन या मॉर्फिन एंड एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनॉल। मिथेनॉल इज करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथर। इथर की प्रिपरेशन के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे? ऑप्शन देखो, रीमर टीमैन रिएक्शन, या फिर विलियमसन सिंथेसिस, या फिर वुड्स रिएक्शन, या फिर कैनिजैरो रिएक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम किसका यूज करते हैं? विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं, किस लिए? इथर को बनाने के लिए, या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? अब हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH2। ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे लिखे जाएगा? तो ये लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखो, मिथ इथ दो आ गए हमारे पास कार्बन, तो ये आएगा इथेन। इथेन कहाँ है ढूंढो, इथेन यहाँ पे है, और एक पे भी ओइक एसिड है, ठीक है, और दूसरे पे भी ओइक एसिड है, तो 1,2-dioic acid, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान में बात रखनी है, ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला और IUPAC। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास हैं 6, 8, 4 या फिर 12। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 इज करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से कौन सा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है? तो देखो, रॉक साल्ट, क्वार्ट्ज, आइस या डायमंड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यस, ये एक जो आइस है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। किसका सॉलिड होता है? H2O का। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो जब H2O यानी कि वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको हम आइस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है।
आगे मूव करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डैश ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या होता है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या होता है कि जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो डिक्रीज इंक्रीज डज नॉट चेंज या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो आपने पढ़ा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होती है, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग बीच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, यस टूथ डीके, टूथ डीके टेक्स प्लेस एट, टूथ डीके यानी कि क्या मतलब हो गया कि हमारे टूथ जो है वो ख़राब हो जाते हैं कब, जब पीएच माउथ की पीएच 7 के बराबर हो यानी कि न्यूट्रल हो, या फिर पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, बेस होगा, है ना, बेसिक हो जाएगा। देखो 7, 8, 9, 10, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक है, पीएच लेस देन 5.5 यानी कि 5.5 से कम होगी, ठीक है, कितनी भी हो सकती है कम, तब या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीएच कितनी होगी, कम होगी 5.5 से, यानी कि यहाँ पे कौन सा केस है, एसिडिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाए जाते हैं, ऑप्शंस देखो, नोबल गैसेस, हैलोजन्स, अल्कली मेटल्स या फिर लेंथेनाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी, अल्कली मेटल्स। नोबल गैसेस की बात करें तो ग्रुप 18 नोबल गैसेस हैं, हैलोजन की बात करें तो ग्रुप 17 हैलोजन्स हैं, लेंथेनाइड की बात करें तो हमारे पास ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन विल बी मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें दिया गया है और प्रोडक्ट बना है एक्स, हमें बताना है कि प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है। तो आपके सामने है रिएक्शन और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में है, ये है एच न्यू यानी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है सनलाइट। ठीक है, ऑप्शन देखो, क्लोरोबेंजीन, बीएचसी, हेक्साक्लोरोबेंजीन या फिर डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन नंबर बी, बीएचसी। नेक्स्ट बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ H2O इज मैक्सिमम एट, H2O यानी कि वाटर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, 0 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे या फिर -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दीज हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो सीधी सी बात है, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन देखो, फॉस्फोरस है हमारे पास, फिर नाइट्रोजन है, AS या फिर SB। तो सही आंसर क्या होगा, AS यानी कि अर्सेनिक और SB यानी कि एंटीमनी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे मूव करते हैं, आगे है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो देखो ग्रुप 17 में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s जो है वो फुली फिल्ड होता है और पी जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें NH2 NP6 की, तो ये ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर हम बात करेंगे NH2 NP5 की, तो ये ग्रुप 17 यानी कि जो हमारे पास है कौन सी
हैलोजन्स, है ना। ग्रुप 17 में क्या आएंगे? हैलोजन्स, ठीक है। और अगर हम बात करें NH2, NP2, ये होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड इन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द EMF मस्ट बी, मतलब कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड करवाना है तो उसके लिए EMF क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिक्स्ड या फिर जीरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एंटीपायरेटिक। अभी एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक वो होती है जो हमारे फीवर को, हमारी बॉडी के फीवर को लोअर करती हैं, यानी कि जब हमें बुखार होता है तब हम यूज़ करते हैं ऐसी ड्रग्स का एंटीपायरेटिक, ठीक। तो ऑप्शन देखो, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, क्लोरामिफिनिकोल या फिर फिनेक्टिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरामिफिनिकोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक नहीं है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60। यस, विच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ जो है वो सही रहेगा? ये देखो, यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के साथ जा रहा है ग्राफ, उसके बाद रेट और हाफ कंसंट्रेशन के साथ, या फिर वन बाई अंडर रूट कंसंट्रेशन इसको हम बोलेंगे। और इसके यहाँ पे है रेट और कंसंट्रेशन के साथ कैसे जा रहा है, और यहाँ पे डी में रेट और कंसंट्रेशन स्क्वायर के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रेट और कंसंट्रेशन के साथ इस तरह से ग्राफ जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और साथ में ही ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।